हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम अच्छे से खुश हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 5:30 और मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ मैंने साथ में लिया है पापड़, इसे मैं फ्राई करूँगी क्योंकि शाम को जो है वो सबको भूख लगती है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ मैं शाम को चाय के साथ में ज़रूर देती हूँ। और उसके बाद बस डायरेक्ट जो है फिर वो मुलाकात हो रही है आपसे रात में। और ये यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के, बज रहे हैं 8:30 और भाभी बना रही हैं मूंग गोश। तो यहाँ पे जो है भाभी ने प्याज फ्राई की है, उसमें ग्रीन चिली कट करके डाले हैं और कुछ खड़े मसाले ऐड करें। और ये भाभी की मतलब कई दिनों से वो बता रही थी कि वो मूंग की दाल गोश बहुत अच्छा बनाती हैं, तो फिर कि आज आप बना कर खाएं अपने हाथों से। तो बस यहाँ पे जो प्याज़ फ्राई हो गई, उसके बाद उन्होंने उसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाला। और ये बिल्कुल नई स्टाइल से बना रही थी, मतलब ये उनकी स्टाइल थी, हमारे क्या बनता है तो अलग तरह से बनता है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने शूट कर लिया और दाल जो है पहले ही बॉयल करके रख लिया है। यहाँ पर हम डाल देंगे मटन और साथ में मटन को फ्राई कर देंगे। और कल हमारे क्या है नज़र, तो यहाँ पे अम्मी रात में खीर बना रही थी, तो खीर जो है वो रात में बन के रख जाएगी तो सही रहेगा क्योंकि सुबह बहुत काम है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे अम्मी जो है वो खीर बना रही हैं शकरकंद की, और भाभी अंदर किचन में बना रही हैं खाना। तो बस हर तरफ काम जो है लगा हुआ है। और ये भून के इतना अच्छा ये गोश्त लग रहा था, दिल कर रहा था बस ऐसे ही मतलब बिना दाल के इसको खाएं, पर बनना था मूंग की दाल गोश्त। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया टमाटर, उसके बाद कुछ जाएंगे इसमें स्पाइसेस, 1-2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉरी 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो हमने यहाँ पे धनिया डाला। बस इसे हम अच्छा सा भून लेंगे, कलर कितना ही अच्छा आ गया है मसालों का। और भून के हम इसमें 2-3 विसल दे देंगे कि जो हमारा ये मटन है ये अच्छे से गल जाए। उसके बाद जो है हम इसमें दाल को इसमें मिक्स करके, और ये हमारा मूंग की दाल गोश वो रेडी हो चुके, क्योंकि मैंने इसके आगे कुछ शूट नहीं किया है, ये जाहिर सी बात है कल नजर थी तो बहुत सारे कामों में मैं लग गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो गोश्त जो है वो गल चुका था, उसके बाद भाभी ने इसमें दाल ऐड कर दिया। और हम यहाँ पे कढ़ाई ले ली क्योंकि जाहिर सी बात है दाल ज़्यादा थी, गोश्त गला के हमने कढ़ाई में पलट लिया। उसके बाद हमने इसमें दाल ऐड कर दी बस। हम 10 मिनट हम इसे कवर करके पकाएंगे, उसके बाद जो है हम इसमें हरी धनिया पत्ती डाल देंगे और ये दाल गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। और डिनर जो हो गया था, मैंने कोई मतलब फाइनल लुक नहीं दिखाई थी, तो भाभी ने 3 सेकंड्स की एक क्लिप ली, तो बस मैंने उसको यहाँ पे जो है आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी थी। भाभी यहाँ बना रही हैं सैलेड और ये हो चुकी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं मटन कौरमा क्योंकि आज हमारे यहाँ नज़र है और साथ ही साथ जो है सारे घर वालों का खाना है। तो यहाँ पर अम्मी बना रही हैं मटन कौरमा और इधर जो है चना बॉयल हो रहा है, और दोनों तरफ जो है चना बॉयल हो रहा है। भाभी बनाएंगी चना और बस अमीना अपनी भी जो है वो आने वाली हैं, और किचन का हाल कुछ इस तरह से हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैरिनेशन हो रही है मटन बोटी कबाब की, वो भी नज़र में रहेगा। तो बस भाभी यहाँ पे, अम्मी ने सारा मैरिनेशन कर दिया था, बस भाभी यहाँ पर जो हरा मिर्च हरियाणा सब कट करके उसमें डाल ली हैं जो है आ चुकी हैं। और इधर मैंने जो है वो बेसन इस तरह से भी फेंट के रख दिया है। बस यहाँ पे खीर जैसा कि रात में बन गई होगी, आपने वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे अदीबा जो है उसको सब पैक कर रही है। तो ये सबसे अच्छा होता है रोल होता है, क्योंकि ऊपर से आप पैक कर दो तो सैलेड है, खाना है, जो भी बना बना के आप सब पैक करके रख दें, गर्म करने वाला तो ओवन में फिर वो गर्म हो जाएगा। तो ये बढ़िया सी शकरखंड की खीर बन चुकी है। तो शाम को सब अभी नज़र के लिए सब जो उसका टेबल जो सेट होगी। इधर भाभी बना रही है चना,
और भाभी जो है आज चना वो अपने स्टाइल से बना रही हैं, तो सबसे पहले इसमें हमने डाला सरसों का तेल, उसके बाद हमने इसमें डाला राई, और उसके बाद भाभी ने एक पेस्ट बनाया था। क्या पेस्ट बनाया था उसमें? लहसुन, खड़ा सूखा मिर्चा और जीरा पीस कर। अच्छा, तो उसके बाद अब डाला हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये हम लोगों ने इमली। हाँ, और फिर हमने इसमें डाला 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। और इधर रखे हैं फ्रूट्स जो भी कट होंगे, और इधर अम्मी का मटन बोटी कबाब भी बन चुका है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर रात में जो मतलब डिनर है सबका, सारे घर वालों का, तो माशाल्लाह से 40-45 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पे मटन कौरमा भी बनके तैयार हो चुका है। ये दोनों चीज़ अम्मी ने बनाई है, और इधर जो है वो पूरी का आटा सन रहा है, तो भाभी जो यहाँ पर आटा सान रही हैं। बस करो। और किचन की भी हालत कुछ इस तरह से है, तो बस सारी चीज़ें बन जाए, फिर उसके बाद जो किचन क्लीन हो जाएगा, हम और भाभी सब अपने सब मिल के साथ में फटाफट से किचन क्लीन कर लेंगे। इधर जो है स्वीट्स आ गई हैं, तो वो भी रखी, बस अभी सारी चीज़ें फल आ चुका है, स्वीट्स आ चुकी हैं, और ये समीना अपनी भाभी को कंपनी देती हुई। स्लो करना है। और इधर जो है वो कुछ रखे हैं डिस्पोजर बोटी कबाब खाने के लिए, और अभी इधर ड्राई फ्रूट्स हैं जो नज़र में रखे जाएंगे, अभी इतने ही हैं, अभी और निकालने हैं। और इधर जो है वो डिस्पोजल की ग्लास प्लेट्स और वो ड्राई फ्रूट सब रखा हुआ है, जो भी प्लेट्स में सजेगा। और ये वाला रूम जो है वो कल ही साफ हो गया था, तो बस ये वाला रूम साफ है। और अभी बस सारी चीज़ें बन चुकी हैं, बस पूरी तलना है, और मीठी टिकिया भी बन गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, बस अब बनने बनेला काम ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग सफाई की तरफ आएंगे, जहाँ पे नज़र होनी है वहाँ पे पूरा भी मैटिंग लगेगी और पूरा फर्श लगेगा, तो वो सब चीज़ें भी होंगी, तो बस वो भी करना है, तो पहले बनने वाला सारा काम ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद करें। और टाइम हो रहा था शाम के, बज रहे थे 5, और यहाँ पे जो है पूरियाँ तली जा रही थी, और अम्मी इधर पूरी तल रही थी, बाकी सब बेल रहे थे, और बस मगरिब की जो अज़ान होती है उसके बाद जो है वो नज़र हो जाती, फिर उसके बाद जो है सारी लेडीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैथे वगैरह सब चीज़ लग चुकी थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस ये पूरी ही लास्ट बचा था, और उसके बाद जो बस ये भी यहाँ पे जो है बन रही है। और इधर जो है हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं जिस पे मतलब नज़र होगी। बंद कर दे। नहीं, कुर्सियाँ हैं मेरे पास, हरी वाली है, पीली है, कत्थई है, ये है छोटो। हाँ, हाँ, बल्ले।
कबाब शैतानी एकदम ना मिठाई वो करो, ये दोनों की नजर का हो जाएगा। बताए रहे ये सब अपना ले जाओ बेटा, स्टैडी भी हटा लेना। तुम्हारा पति है ये? दे रहे शीशे वाले में ना अभी बात आ रहे और इधर चल रही है दही फुल्की और बेसन फेंट के हमने रखा था और फिर हम उधर लगे सफाई वगैरह में, तो समीना अपनी यहाँ पे फुल्की तल रही है। और यहाँ पे भाभी ने बनाया है थोड़ा सा वेज वाला खाना, क्योंकि जो भाई हैं तो वहाँ वो आजकल जो वेज वाला खाना, तो यहाँ पे बनी है गाजर मटर की सब्जी और दाल। अरे मेरा बेटा, और यहाँ हो चुके हैं सब रेडी। ये रही समीना पी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और ये हो गई है अदीबा, ये है अदीबा का पूरा लुक। और ये आ गई है हमारी की वाइफ, हमारी भाभी। ये माशाल्लाह से इसका बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। और ये जो है, ये जैसा कि बता दें, ये है इसकी इंगेजमेंट का ड्रेस जो इसने इंगेजमेंट में पहना था, बहुत ही प्यारा सा। वीडियो देखे नजर हुई है, और सब हो चुके हैं रेडी, मैं भी हो चुकी हूँ और नजर हो चुकी है। बस अभी सब थोड़ी देर में सारी लेडीज जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वाले रूम में जो है वो अब्बा और आजम भाई बैठे हुए हैं और यहाँ भाभी हो रही है रेडी, हो चुकी है। ये रहा इनका ड्रेस। मैंने मंगी में ऐसी दुपट्टा। मुस्तफा ओके आ रहे, लेके आ रहे। हाँ रख रहे हैं।
हाँ वही बोलना बस। लो दीपा इधर उसमें टप में डालो सब। वसी नजर चखी? ओके खाया? इतना शरीफ बच्चा नहीं है ये जितना शरीफ ही लग रहा है। आना बसी समीना भी लिए इन्होंने बहुत देर से देख रही थी। हमने सोचा समीना तो तुमने बनाया था तुम्हारी क्योंकि रसगुल्ला बहुत अच्छा वो तो बहुत लाजवाब रसगुल्ले बने थे। चलो देखिए मगर उसका कि समीना का ये भी अच्छा है। शैतानी कर रहे हो ना तुम जो मुस्तफा शहजादा पकड़ लिया। हाँ क्या ले ये लो मीठी टिक्का लेना है क्या लेना ये मिठाई लेना है चिकन भी चना मुस्तफा ना सैयदा बाय इधर देखिए सैयदा बाय 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 ये कपड़ा भी दबोचे अरे इनकी जिद थी ये चाचे की जिद थी है ना मुस्तफा इधर देखो पापा कर लो पापा तुम भी तो कर लो खुदा हाफिज समीना आपकी जो है वो जा चुकी है और खाना जो है वो लेडीज़ का हो चुका है जेंट्स का भी बाकी है क्योंकि यहाँ पे महफिल चल रही थी तो अभी जो है किसी भी जेंट्स ने खाना नहीं खाया तो बस अभी वेट हो रहा है तो वो लोग आ जाए फिर सारा खाना हो जाए फिर जो है उसके बाद जो है सारी चीज़ें